बेहजत निजामी साहिबा, दी एजुकेटेड स्कूल से आपका ताल्लुक है, तशरीफ ले आइए। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहली बजर बजेगी 2 मिनट 15 सेकंड पे, दूसरी बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे, और फिर उसके बाद 10 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर को खत्म करने के लिए। तैयार हैं आप? इजाजत है, शुरू करें जी। सरजमीने वतन के मुखड़े पर आफ्ताब की नौखैस किरणों की रोशनी, खेतों के तन पर ये सब्ज खत, खेतों के तन पर ये सब्ज फूल और जनाबे जी वकार, हमें ये प्यारी धरती अता की और हमसे कहा गया कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जनाबे जी वकार, अपना मकाम पैदा करने के लिए हमें ख़ुद को खाक से मिलाना पड़ता है, अपने नफ्स पर काबू करना पड़ता है, मैं के कायदे को जनाबे जी वकार ज़मीं बोस कर देना पड़ता है और अपनी ख्वाहिशात के भंडार को ख़त्म कर देना पड़ता है। जनाबे जी वकार, तो फिर हमने इस इश्क हकीकी में कई सितारों को खाक होते देखा। हमने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बीमारी को रद्द करते हुए इस मुल्क को बनाया। हमने देखा कि अल्लामा इकबाल ने अपना ख्वाब पूरा किया। हमने देखा जनाबे ज़िवाकार, हमने मलाला यूसुफ़ज़ई को देखा, हमने अंबिया इकराम को देखा, हमने औलिया इकराम को देखा, हमने बुअली सीना को देखा, हमने बुअली कलंदर को देखा, हमने हसन व हुसैन को देखा, हमने अली उल मुर्तज़ा को देखा, हमने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कैसे इन्होंने अपने इश्क हकीकी में रंग भरा और अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए जनाबे ज़िवकार, और हमें बतलाते गए कि सूरमा फितना बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। जनाबे ज़िवकार, तारीख गवाह है कि सिर्फ उन लोगों के कदमों में कामयाबी और कामरानी आई है जिन लोगों के अज़ाइम पहाड़ों की तरह बुलंद थे और समंदर की तरह वसी थे और खुद आगही से खुदा आगही तक जाने की परवास के कायम थे। बहुत शुक्रिया। बेहजत, आपने 2 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर दी जी। आपा बेहजत, आप एक जगह भूली भी हैं और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ अंबिया कराम का नाम लिया, ये क्यों लिया? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, यकीनन ये बहुत अहम बात है और इसमें अंबिया को, औलिया को, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों को एक जानिब रखना चाहिए और दुनियावी बंदों को एक जानिब रखना चाहिए। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। ये ज़ाहिर है सबने ही देखा कि आप बेटे भूल भी गए थे और मुझे तो आपका जो मवाद है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर लगा जी। मुझे आज आप काफ़ी प्रेशर में नज़र आई क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर बहरहाल यू हैव डन गुड। ओके जी, चलिए बेहजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।